तो बताइए दोस्तों, आपको जो ये सेटअप है ये कैसा लग रहा है पीछे का? मैंने यहाँ पर कल ही शाम को इस सेटअप को, बैकग्राउंड को तैयार किया है। हमारे पास ये वॉलपेपर आ चुका है, हमने यहाँ पर लगा दिया। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को जो ये वॉलपेपर ये कैसा लग रहा है। आप सभी को जितने भी यहाँ पर वीडियोज मिलेंगे इसी वॉलपेपर के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। फिर इस वॉलपेपर को यहाँ पर हम 6 या 7 महीने बाद चेंज करेंगे। फिलहाल आप लोग 6-7 महीने इसी वॉलपेपर से काम चाहिए। आप लोगों को ये वॉलपेपर कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा मित्र आप लोग का बहुत बहुत स्वागत हमारे सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर मैंने ही कल टेलीग्राम के ऊपर MIUI 13 के कुछ फीचर्स के जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर शेयर करिए। ऑफिशियल स्क्रीनशॉट्स है और ऐसे ही फीचर्स है सभी को MIUI 13 अगर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर टेलीग्राम के साथ मेरे साथ ज्वाइन नहीं है, तो उन सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आप सभी को इस वीडियो की तरह मैं डिटेल में बताने वाला हूँ MIUI 13 में क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। और ऑफिशियल स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर बाहर आए हैं, स्क्रीनशॉट्स में जितने भी यहाँ पर फीचर्स नजर आ रहे हैं ना, वो सारी चीजें मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूँ। कौन कौन से नए फीचर्स आप सभी को MIUI 13 के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप लोग भी यहाँ पर Xiaomi का डिवाइस यूज करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वहां पर हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर कल रात को ही मैंने देखिए यहाँ पर 9:09 पर ये जो तस्वीरें कुछ शेयर करी थी MIUI 13 की, जो इनसाइडर फर्स्ट लुक है ऑफिशियल लुक यहाँ पर जारी करी गई है Xiaomi की तरफ से MIUI 13 की। और यहीं पर जो आप सभी को जितने भी फीचर्स है वो सभी फीचर्स यहाँ पर आप सभी को बता रहा हूँ, जो फीचर्स आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे खासे यहाँ पर अभी सिर्फ 2 ही 3 स्क्रीनशॉट रिलीज हुए जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। और वीडियो मैं आज यहाँ पर 12:30 बजे देने वाला था, पर यहाँ पर मैंने दूसरी वीडियो यहाँ पर रिलीज करी जो कि ये थीम वाली वीडियो थी, जिस कारण इस वीडियो को यहाँ पर मुझे डिले करना पड़ा। नहीं तो देखिए मैंने रात को 9:09 पर आप सभी को बता दिया था कि जो वीडियो है यहाँ पर मैं आप सभी को कल 12:30 बजे दे दूंगा, पर जो इस वाले थीम की डिमांड ज्यादा हो गई थी इस कारण मुझे इस वाली वीडियो को थोड़ी जल्दी अपलोड करनी पड़ी। और जो यहाँ पर MIUI 13 वाली जो वीडियो है वो थोड़ी लेट हो चुकी है, तो आप सभी को थोड़ी देर बाद वीडियो देखने को जरूर मिल जाएगी। चलिए आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं MIUI 13 के अंदर क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए पहली फोटो के अंदर जो कि आपको यहाँ पर ऐप वोल्ट जो देखने को मिलता है, जो कुछ इस तरह का होता है, जैसे आप सभी देख सकते हैं अभी आपको जो ऐप वोल्ट है वो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। देखिए आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो ऐप वोल्ट है अभी आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, पर जो हम यहाँ पर अभी आप जो MIUI 13 के अंदर जो ऐप वोल्ट देखने वाले हैं कुछ आपको इस तरह का देखने को मिल रहा है, जो काफी यहाँ पर जबरदस्त देखने को लगता है। यहाँ पर कुछ आपको चाइनीज भाषा में लिखे हैं, इतना तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, पर ये ऐप वोल्ट ही है जो आप सभी को मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया, जो MIUI 12.5 के अंदर जो ऐसे ऐप वोल्ट देखने को मिलता है। अब जो ये जो MIUI 13 वाला जो ऐप बोल्ट है आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा, कुछ यहाँ पर आपको टॉगल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे जो आप सभी को यहाँ पर भी देखने को मिल ही जाते हैं ऊपर। तो ये कुछ यहाँ पर टॉगल्स को यहाँ पर कस्टमाइजेशन करा गया है इसके अंदर, जो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने में। और जो यहाँ पर जो स्टेप्स वाला है जो कि आप लोग को बताता है ये ऐप बोल्ट के आपने यहाँ पर कितने कदम करें चले हैं आज के दिन में, तो यहाँ पर जो चीज आपको दिखाता था कुछ इस तरह दिखाता था। अब जो नया MIUI 13 के अंदर जो आप सभी को देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिले, जो काफी यहाँ पर जबरदस्त लग रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो सिक्योरिटी वाला है वो भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाएगा, जो आप सभी को काफी बेहतरीन यहाँ पर लगने वाला है। और कुछ यहाँ पर अलग जो चाइनीज भाषा में यहाँ पर जो कुछ टॉगल्स दिए हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो MIUI 13 होने वाला है उसमें काफी सारे आप सभी को ऐप वोल्ट के अंदर फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगले फीचर पर बढ़ लेते हैं, जो आपका होम स्क्रीन है। तो होम स्क्रीन में जो आइकन्स है उसमें कोई भी यहाँ पर सुधार नहीं करा गया, जो होम आइकन्स में जो आपको जो ये देखने को मिल जाते हैं जो आइकन्स है यहाँ पर होम स्क्रीन के ऊपर, वही आप सभी को यहाँ पर MIUI 12 पॉइंट वाले चाहे यहाँ पर MIUI 11 वाले जो आइकन्स है वही आपको MIUI 13 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि MIUI 13 के अंदर भी यहाँ पर Xiaomi वालों ने आइकन्स को चेंज नहीं कराया। बाकी जो सबसे बड़ा चेंज है यहाँ पर करा गया है कि आईफोन की कॉपी कर ली गई है, आईफोन की तरह यहाँ पर आपको इतना बड़ा क्लोक देखने को मिल रहा है, साथ में यहाँ पर वेदर वाला कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा और डेट कितनी है वो भी यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए जो स्क्रीन शॉट आए वहाँ पर 2021 8/13 उस दिन का ये स्क्रीनशॉट है, पर यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऑफिशियली यहाँ पर रिलीज नहीं करा गया था। अब जो रिलीज हुआ है तो मैंने आपको कल रात को ही 9:09 के ऊपर शेयर किया है। तो आप लोग देखिए कुछ आप सभी को जो होम स्क्रीन है MIUI 13 के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलने वाला जो काफी कूल देखने को मिलेगा। नेविगेशन बार थोड़ा और यहाँ पर मोटा कर दिया गया और थोड़ा छोटा करा गया इसको, और बाकी नीचे आपको यहाँ पर जो ये सर्च वाला बार है वो आप देखने को मिल जाएगा, जैसे हमें रियलमी के डिवाइसिस के अंदर नीचे देखने को मिलता था, तो वैसे भी यहाँ पर आपको सर्च वाला देखने को मिल जाएगा। और कुछ तरह के यहाँ पर और सारी ये चीजें फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएगी।
अगला जो आप सभी देखेंगे कि होम स्क्रीन के ऊपर आप इतने सारे तरह तरह के विजेट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो आप लोग खुद यहाँ पर देखिए कितने जबरदस्त यहाँ पर फीचर्स को ऐड करे गए हैं इसके अंदर, और आप सभी को यहाँ पर भी काफी अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और आइकन्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर म्यूजिक वाला भी आप सभी को MIUI 13 के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो काफी जबरदस्त लगने वाला है। चलिए अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ, जो अगला हमारा होम स्क्रीन के अंदर है। तो आप सभी होम स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं इतने सारे टॉगल्स को आप लोग ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर शायद ये स्पीड वाला है वो भी आप लोग यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। और सबसे बड़ा चेंज आप सभी को वेदर ऐप के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख लीजिए वेदर ऐप के अंदर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर डेट लिखी हुई है और यहाँ पर आपको वेदर का जो भी यहाँ पर आइकन वगैरह वो सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सारा कुछ इस बार इसमें चेंज हो जाएगा, और ऊपर का जो भी यहाँ पर स्टेटस बार है उसको भी इसके अंदर चेंज करा गया है। तो आप सभी कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा MIUI 13, जो काफी बेहतरीन होने वाला है। आप लोग बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, MIUI 13 आप सभी को नेक्स्ट ईयर देखने को मिल जाएगा। और भी इसके जब धीरे धीरे फीचर्स और भी रिलीज किए जाएंगे कंपनी की तरफ से, मैं आप सभी को टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी को इसके ऊपर जितनी भी न्यूज आती है आपको सबसे पहले देखने को मिल जाती है। तो हमने और भी यहाँ पर कई सारे जो इमेजेस है वो शेयर किए हुए हैं, MIUI 12.5 का भी यहाँ पर शेयर कर दिया है। और भी जितनी भी लिंक्स वगैरह आती है, न्यूज़ आती है, आप सभी को टेलीग्राम के ऊपर स्क्रीनशॉट के साथ देखने को मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।